प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के कक्ष को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। जिला स्तर से ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ पर एलईडी टीवी लगाई गई है जिससे परीक्षा को लाइव देखा जा सकेगा। बता दें कि निगरानी के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में ये कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका उद्घाटन आज मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने किया है। बोर्ड परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। कल से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होनी है जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने यह कंट्रोल रूम बनाया है जहां से मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश में कल से बोर्ड के परीक्षा शुरू हो रहे हैं और वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूं माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में जहां आपके दुर्गा प्रसाद मिश्र आए हुए हैं जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां से जो भी राज्य 75 जिलों में परीक्षाएं होंगी जिसमें लगभग 51 लाख छात्र सम्मिलित हो रहे हैं, साथ ही साथ लगभग 8,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और उन्हीं सब चीजों को देखते हुए यहाँ दुर्गा प्रसाद मिश्र यहाँ मॉनिटरिंग जो की जाती है पूरे प्रदेश भर के परीक्षाओं को लेकर वो यहाँ मॉनिटर करने आया है और निरीक्षण करने आया है। और बोर्ड परीक्षा का जो कंट्रोल रूम है उसका शुभारंभ कार्यक्रम के हेतु यहाँ पहुंचे हुए हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि पीछे हर एक मंडलों के एक एक वो बनाए गए हैं। यहाँ पे कैबिन बनाए गए हैं, एक एक डेस्क बनाए गए हैं जहाँ पे तमाम मंडलों के जो मॉनिटरिंग की जाएगी वो यहाँ से की जाएगी। आप ठीक पीछे देख सकते हैं कि कक्षाओं को जो कक्षाएं हैं इस बार परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उसको पूरी तरह से कैमरे की निगरानी में रखा गया है, जहां से पूरे प्रदेश भर में जहां परीक्षाएं होंगी वहां से जो छात्र होंगे और अध्यापक होंगे जो परीक्षा में नियंत्रण में लोग लगाए जाएंगे वो यहाँ बैठ के लखनऊ के इस कार्यालय से देख सकेंगे, जहाँ आप देख सकते हैं कि परीक्षाओं को लेकर पूरा ये विभाग तैयार है और आज इसके जो कंट्रोल रूम है उसके शुभारंभ के लिए यहाँ दुर्गा प्रसाद मिश्र आए हुए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। तो कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका जो उद्घाटन कर दिया गया है, दुर्गा शंकर मिश्रा ने उद्घाटन किया है जो कि मुख्य सचिव है माध्यमिक शिक्षा परिषद के और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में ये कंट्रोल रूम बनाया गया। तस्वीर में देख सकते हैं आप सभी जो 75 जिले हैं सभी में कल से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है जिसकी मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और एक ही कक्ष में बैठ के सभी जगह की मॉनिटरिंग की जाएगी। छात्रों से लेकर अध्यापकों तक सब पे निगरानी होगी। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए, पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने के लिए ये पहल की गई है। आपको बता दें कि पिछली बार कोरोना के चलते परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी और इस बार जो परीक्षाएं कराई जा रही है उसके तहत काफी ध्यान रखा गया है। और तस्वीरें में देख सकते हैं आप किस तरह से उद्घाटन किया गया है और पूरे उत्तर प्रदेश में निगरानी करी जाएगी इस बार बोर्ड परीक्षा की। और इस खबर पे हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से ये सीसीटीवी कैमरे लगा के इस बार परीक्षाएं करवाई जाएंगी बोर्ड की, नकल विहीन पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराई जाएगी, कितना सही है बच्चों के भविष्य के लिए, ये कितना सही कदम है? जी शिखा, आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बोर्ड यूपी बोर्ड की परीक्षा कल से शुरू हो रही है और ये 2 पालियों में होगी, साथ ही साथ लगभग 51 लाख बच्चे इसमें सम्मिलित होंगे और लगभग 8,000 के करीब परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। और परीक्षा सेंटरों को इस बार पहली बार पूरे कैमरे की निगरानी के साथ परीक्षा होंगे। और वहीं आपको बता दें कि आज लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर में जो शिक्षा के प्रमुख सचिव है दुर्गा शंकर मिश्र, उनकी तरफ से आज जो ये डिजिटल तरीके से पेपर और उस पर निगरानी को लेकर एक डेस्क की शुभारंभ की गई है जिसमें मंडलों के आधार पर डेस्क बनाए गए हैं जहां सभी मंडलों की लगभग जो कक्षाएं हैं, जो 8,000 सेंटर हैं, वो मंडलों के हिसाब से बांटा जाए तो सभी मंडल के अधिकारी बैठकर सब वहां पे नियुक्त किए गए अधिकारियों को कि वो अधिकारी बैठकर और परीक्षा का नियंत्रण करेंगे। वही आपको शिखा बताना चाहेंगे कि इस बार के परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है और साथ ही साथ नकल कराने ऐसे जुर्म करने वाले लोगों पर राशुका लगाने की भी तैयारी की गई है। और वहीं अगर देखें तो इस बार के बोर्ड परीक्षा में हर बार अलग तरीके से अलग है,
जैसे जो क्लास के ब्लैक बोर्ड होते हैं उस पर पीली मिट्टी की लिपाई की जाएगी और साथ ही साथ कैमरों की निगरानी के साथ जो माध्यमिक शिक्षा है वहां से निगरानी की जाएगी और उड़न दस्ता को भी पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है और परीक्षा को सकुशल संपन्न करने का हर एक मुमकिन प्रयास कर माध्यमिक शिक्षा इस समय तैयार है और कल से बोर्ड परीक्षा की शुभारंभ हो रही है। जी विभांशु, अगर कोई छात्र या फिर अध्यापक किसी की मदद करता हुआ पाया जाता है तो किस तरह की कार्यवाही की जाएगी उनपे? जी केंद्र राज्य सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से पहले ही इस पे आदेश आ चुका है कि अगर कोई नकल कराते हुए या नकल में संलिप्त रहता है तो उनके ऊपर वासुका लगाया जाएगा और वासुका के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को पहले ही चिन्हित करके उनपे वासुका लगा दिया जाएगा ऐसा कोई करता है और साथ ही साथ कैमरे की मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि किस सेंटर पे कैसा माहौल है, साथ ही साथ जो परीक्षा नियंत्रक है या शिक्षक अंदर तैनात है वो किस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं और किस तरह का कक्षाओं में माहौल है ये माध्यमिक शिक्षा के अंदर में एक पूरी एक ऑडिटोरियम के अंदर में पूरी एक सेटअप बैठा दी गई है जहां 8000 सेंटरों को पूरी तरह से यहां से जो आला अधिकारी है वो देख सकेंगे और परीक्षा को पारदर्शिता के साथ आयोजन करने में हर एक मुमकिन जो प्रयास किया है वो प्रयास कहीं ना कहीं सफल होते दिखेगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए ये एक बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है सरकार का, क्योंकि हर एक सेंटर में हर एक कक्षा में कैमरे लगा दिए गए हैं और इन कैमरों से निगरानी की जाएगी, बच्चों को नकल विहीन परीक्षा करवाने में इससे मदद मिलेगी, साथ ही उनके भविष्य को सुधारने में भी सफलता रहेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साल 2021 से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी और बीते वर्ष सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली दुनिया के 50 शहरों में से 35 शहर भारत के थे। एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। ये रिपोर्ट स्विस संगठन यानी AQI द्वारा तैयार की गई है और इसे मंगलवार को वैश्विक स्तर पर जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में भारत का कोई भी शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता सूचकांक मानक पर खरा नहीं उतर सका। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर राजस्थान का भिवाड़ी है। यहां साल 2021 का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 106.2 रहा था, तो वहीं दूसरे नंबर पर गाजियाबाद, चौथे नंबर पर भारत की राजधानी दिल्ली जो कि 96.4 और इसके बाद पांचवें नंबर पर यूपी का जौनपुर शहर रहा था, तो वहीं सातवें पर फिर से यूपी का नोएडा और दसवें पर यूपी का बागपत शहर रहा और इस तरह दुनिया के टॉप 100 प्रदूषित शहरों में यूपी के कुल 14 शहर शामिल थे। तो वहीं एक बार फिर उत्तर प्रदेश का नाम सबसे आगे है। यूपी में प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है, यूपी की हवा बेहद जहरीली हो गई है। एक बार फिर AQI सामने आया है जिसमें 14 शहर प्रदूषित है यूपी के। आज देश के महानायक भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को एक साथ याद करने का दिन है। 23 मार्च को जहां भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के शहादत का दिन है, तो वहीं महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती भी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के मौके पर अखिलेश यादव ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर हमला भी बोला और हमला बोलते हुए उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया। सरकार की गलत नीतियों की वजह से डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इस बात को भी उन्होंने कहा। अखिलेश ने कहा कि आप आकलन करेंगे कि डीजल पेट्रोल की कंपनियां आखिर मुनाफा क्यों कमा रही हैं। मुनाफा कहा जा रहा है, सरकार कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कर रही है। अखिलेश ने कहा कि हमें पहले से ही पता था और ये बात हमें जनता के बीच रखी भी थी कि चुनाव खत्म होते ही सरकार महंगाई बढ़ा देगी। आपको बता दें कि बीते दिन पेट्रोल डीजल दोनों के ही दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, दोनों के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है जिससे 1000 के करीब पहुंच गया है रसोई गैस का दाम। और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, सभी इस बात को जान और समझ रहे थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा वैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, इस बात को लेकर कई सवाल भी किए जा रहे थे सरकार से, लेकिन सरकार ने
दाम तो बढ़ा दिए लेकिन चुनाव के पहले, चुनाव खत्म होते ही नहीं, जिसका इंतजार हो रहा था अब आखिर वो घड़ी भी आ गई और अब विपक्ष भी सक्रिय नजर आ रहा है, किस तरह से देखते हैं? जी शिखा, अगर बात करें तो अगर महंगाई की बात करें तो चुनाव के ठीक पहले आपने देखा था कि तमाम विपक्ष के नेता महंगाई का मुद्दा उठाकर और खासकर पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के मुद्दे को उठाकर चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बताया कि खास करके समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव बीतते ही डीजल और पेट्रोल के और साथ ही साथ रसोई गैसों के दामों में बढ़ोतरी होगी। और आज राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्होंने राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि आखिर ये मुनाफा जो पेट्रोल कंपनियां कमा रहे हैं ये मुनाफा किसके पास जा रहा है। और उनकी तरफ से बताया गया कि हम समाजवादी लोग छोटे लोग जो राम मनोहर लोहिया हैं उनकी सोच पर चलेंगे और समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे। और महंगाई को मुद्दा बनाकर उन्होंने साफ तौर पे जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है या जो सरकार बनने जा रही है उस पर निशाना साधा और कहा कि इससे अच्छा खासा लाभ कमाया जा रहा है और जनता को इससे राहत नहीं दी जा रही है। जी। वहीं अखिलेश यादव ने कल ट्वीट किया था कि मैंने कहा था कि चुनाव होने के बाद पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम रसोई गैस के दाम बढ़ जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए तो विपक्ष के रूप में आपने देखा कि राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट करके बताया कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर से लॉकडाउन हट गया है। और इन सब चीजों को देखते हुए जो तमाम विपक्ष के नेता है वो महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। जी विभाषु, ऐसा माना जाता है कि महंगाई हमेशा बढ़ती है, जो दाम है वो हमेशा घटते नहीं है, हमेशा बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम के साथ भी यही होता है, चुनाव आए तो दाम घटा दिए गए, 4 महीने तक दाम स्थिर रहे और अब एकदम से बढ़ने लग गए हैं। अब अगला चुनाव 2024 में है, तब तक महंगाई कहाँ तक पहुंच जाएगी, क्या आकलन लगाया जाए, क्या सरकार ने ये कदम जो उठाया है वो सही उठाया है? जी शिखा, अगर बात करें तो पेट्रोलियम के जो देश हमें पेट्रोल देते हैं, डीजल देते हैं या इधर रसोई गैस देते हैं या वह कोई तरह का ऐसा गैस, खासा ईंधन सप्लाई करता है। और अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और लगभग महीनों दिन हो चुके हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं रशिया जो तर्क दे रहे हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं और खास तौर पे उन लोगों का तर्क ये भी दे दिया जा रहा है कि रशिया के बीच युद्ध होने की वजह से जो ईंधन के दाम है उसमें काफी अच्छा खासा उछाल आया है और जो पैसों की बढ़ोतरी की गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी, अगर बात करें महंगाई की तो पर कैपिटल इनकम के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में महंगाई कहीं ना कहीं है। और अगर बात की जाए तो महंगाई के स्तर बढ़ने की, तो अगर पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ता है और जो जो उत्पादन है, जो उत्पादक जो चीजें हैं उस पे बढ़ोतरी होती रही, तो कहीं ना कहीं महंगाई और ऊपर जाते हुए दिख रही है। जी विभाषु, मुख्य विपक्षी दल की भूमिका बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे अखिलेश। उन्होंने एक बात और कही कि जनता ने हमें संघर्ष का जनादेश दिया है, यानी कि जनता के ऊपर भी सवाल उठाए हैं अखिलेश ने, किस तरह से देखते हैं? जनता को भी कहीं ना कहीं अफसोस होगा इस बात का कि उन्होंने एक बार फिर से जो सरकार रिपीट करी है उसका असर पड़ रहा है कहीं ना कहीं। जी शिखा, अगर बात करें तो लोकतंत्र में जिसके तरफ जनादेश जाता है उनकी सरकार बनती है, और इस बार भाजपा को लोगों ने सपोर्ट किया और जनादेश दिया और वो पूर्व बहुमत के साथ सरकार में आई। और कहीं ना कहीं देखे तो समाजवादी पार्टी इस बार कांटे की टक्कर देती हुई, वोट परसेंट की बात करें, अगर सीटों को हटाकर वोट परसेंट की बात करें तो महज कुछ फासले रह गए थे दोनों के बीच। तो कहीं ना कहीं कहे तो जो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को वोट मिले थे वो कहे महंगाई, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, जो उनके मैनिफेस्टो थे उस आधार पे वोट मिले थे। वहीं भाजपा की तरफ से जो वादे किए गए हैं संकल्प पत्र में, उसमें अगर पूरा किया जाता है तो महंगाई और साथ ही साथ जनता के लिए काफी लाभ रहेगा। और वहीं अगर देखें तो अखिलेश यादव इस चीज पे मुख्य विपक्ष की भूमिका में, उन्हें जनता ने चुना है और वो अपने पिता से मिलते हैं और पिता उनसे कहते हैं कि आपको जनता ने प्यार दिया है और जिस प्यार को आप उनके कर्ज को चुकाइए और उनकी उनकी समस्याओं को सदन में उठाइए, जिसके तहत कल अखिलेश यादव ने अपनी लोकसभा की सदस्यता को ओम बिरला जो कि स्पीकर है लोकसभा के उनके उनको अपना इस्तीफा देते हैं और साथ ही साथ आजम खान भी इस्तीफा देते हैं। तो साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि अखिलेश कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है उनमें विधानसभा के अंदर में
एक कड़ी चुनौती देते हुए दिखेंगे और एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। और वहीं अगर बात की जाए तो अगर अखिलेश यादव अगर लोकसभा में होते तो उनके समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक जो है उनका कहना है कि अखिलेश अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने आप को स्थापित करते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा, और ऐसा ही अखिलेश यादव ने किया। और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विभांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरते हुए अपने आप को सपा को मजबूत करते हुए अखिलेश नजर आ रहे हैं और महंगाई का मुद्दा बढ़ चढ़ कर उठा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। कुशीनगर में टॉफी खाने के बाद चार बच्चों की मौत हो गई है, जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया। मृतकों में दो बच्चे और दो बच्चियां शामिल हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया। योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त किया है, साथ ही डीएम सीएमओ को जांच रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं और पीड़ित परिवार को तत्काल मदद देने के निर्देश भी दिए हैं। बस हम टिकट टहलाकर बस उधर झगड़ा होने लगा मटर से और राकेश से, उसी को देखने मैंने गया। अब बस उधर से जीव लौटा तब तक मेरे बच्चे हैं दादी टोपी छीन कर खाए और खाकर जीव अभी लाल धारी के द्वार पार किया गेट क्यों मेरे दोनों बच्चे। मैं उधर से लौटा था, दातून ने कभी दातून भी नहीं किया था, हाथ में छरका दातून के लिए थे टूट का, तब तक मेरे बच्चे गिर पड़े। बस उठाने लगे, देखे क्या हुआ, रोने लगे। हमने दौड़ के आए, मोटरसाइकिल स्टार्ट करे, गए चौराहा पर हरदेव डॉक्टर के पास रोके एक सेकंड के लिए। बस उसने बोला जल्दी लेकर भाग जाओ, हमारे बस की नहीं है। बस लेकर भाग जो बड़ा वाला नदी वाला पुल पार हुआ तब तक मेरे कोराही में मेरा छोटा वाला बच्चा समान मर गया। आई रानी वो देख होलियो खेले आई रानी है, भाई के शादी वाला बैसाखी में सोचनी की अरे राजा सब कमाओ देख ले तब अपना घर चल जाए। तो आज घटना ई भ गई तो टफिया रहल तो का जन के दुआर पर फेंक दिहल गई। तब हमारे चाचा के धमकी दे ले रहल वो आदमी हो सके तुहे फेंकले वाले। तब सोच के उठनी तो हमारे दादी पैली है टफिया पैसो रहल ओमे सिक्का तो उठा के ध दे लैकन के दे 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 तो लैका बाँट के खा गई लो चारों लैका खा गई लो। तो हमारे चाचा के लैका दू गो जाट हो जा गिर गई बालो तो उठा के एने से आकल ले कर तुरंत मोटरसाइकिल से भाग कल कल तू लैका ही जा हमारे एगो बाबू रहो एगो चाचा के लैके। आपके बच्चे का नाम रहा अरुष। तो चार बच्चों की मौत हो गई है टॉफी खाने से, मौत बताई जा रही है और इस घटना का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है और जिले में हड़कंप मच गया इन चार बच्चों की मौत से। आपको बता दें दो बच्चे और दो बच्चियां इसमें शामिल हैं जिनकी मौत हो गई है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और इस मामले में डीएम सीएमओ को जांच रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया है सीएम ने। पीड़ित परिवार को तत्काल मदद की बात भी कही गई है। कुशीनगर से ये मामला सामने आया है जहां पे चार बच्चों की टॉफी खाने से मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बच्ची और दो बच्चे शामिल है इसमें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया है, डीएम सीएमओ को जांच रिपोर्ट देने के आदेश भी दिए गए हैं और जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से पुलिस एक्शन में नजर आ रही है और ये टॉफी का रैपर भी पाया गया जिस टॉफी को खाने के बाद बच्चों की मौत हुई है। और इस खबर पे हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता ज्ञानेश्वर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश्वर क्या है पूरा मामला, क्या आपसी रंजिश में किसी ने टॉफी में कुछ मिला के दिया था या फिर टॉफी में ही कुछ ऐसी चीज थी जिसकी वजह से बच्चों की मौत हुई है, क्या जानकारी मिल रही है? जी मैं बता दूं आपको, उसी नगर के प्रोग्राम में उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया कि जबकि एक परिवार जो एक परिवार है उसके दरवाजे पर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जहर मिली हुई टॉफी फेंक दिया गया था। बच्चों ने सुबह सोकर के जैसे ही उठा तो देखा कि बच्चों ने कि दरवाजे पर टॉफी फेंकी गई है, उसके साथ ही साथ कुछ सिक्के भी फेंके गए हैं। बच्चों ने उस टॉफी को अपने दादी के हाथों से ले लिया है और टॉफी खा लिया है। टॉफी खाने के बाद बच्चों की हालत गंभीर हो गई है। बच्चों के परिवारजन उन बच्चों को लेकर के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र कथिया ले गए हैं जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए हर सेकेंडरी जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहां पर जांचों पर चारों बच्चों की मौत हो गई है। जी ज्ञानेश्वर, क्या ये चारों बच्चे एक ही परिवार के थे?
जी मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति हैं जिनके तीन बच्चे थे, जो जिनका नाम रसगुल्ला बताया जा रहा है, उनके तीन बच्चे थे, जबकि एक व्यक्ति जो एक बच्चा था वो उनकी बहन नेपाल जिनकी शादी हुई थी वो यहाँ पर होली मनाने के लिए आई हुई थी, उनका भी एक बच्चा इस घटना में शामिल है। जी, तो परिवार वालों के ऊपर क्या किसी पे इल्जाम लगाया गया है, किसी से रंजिश बताई जा रही है जिसको लेकर ये घटना हुई? जी, परिवार जनों का कहना है कि कुछ आपसी जो तमंजस ठीक न होने के कारण बगल के ही कुछ लोग हैं जिन पर आरोप लगाया गया है, वह तीन लोग तक के आधार पर पुलिस तीनों लोगों को गिरफ्तार कर ली है। जी, पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है इस मामले में? जी, आपको मैं बता दूं, पुलिस का यह कहना है इन लोगों की तरफ से जैसे ही मुझे दरखास्त मिल जाती है उस पर FIR दर्ज कर इन लोगों के ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ज्ञानेश्वर जुड़े थे कुशीनगर से। तो कुशीनगर से ये मामला सामने आया है जहां आपसी विवाद के चलते बच्चों को निशाना बनाया गया है, बच्चों को टॉफी में जहर लगाकर दे दिया गया और जिसके बाद चार बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस घटना में एक ही परिवार के चार बच्चे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति के तीन बच्चे बताए जा रहे हैं, तो उसकी बहन का एक बच्चा बताया जा रहा है। चारों बच्चों ने जहर वाली टॉफी खा ली जिसकी वजह से उन चारों की मौत हो गई। खुद CM योगी ने इस मामले में संज्ञान लिया है। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।